हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पठान, गदर 2 और एनिमल मूवी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पठान मूवी जनवरी के महीने में आई थी, यानी 2023 की स्टार्टिंग में, और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और वहीं गदर 2 मूवी भी आई और ब्लॉकबस्टर होके चली गई। लेकिन जो एनिमल मूवी है दोस्तों, ये बॉलीवुड की, साउथ की सारी बड़ी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है। वो कैसे दोस्तों, मूवी के अंदर रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल के साथ अनिल कपूर अहम किरदार में नज़र आए हैं। दोस्तों, लगभग 130 करोड़ के बजट के साथ बनी है ये मूवी और इसको डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने। दोस्तों, मूवी के अंदर जो रणबीर कपूर हैं और जो अनिल कपूर है, वो बाप बेटे हैं, ठीक है। और जो ये बॉबी देओल वाला, ये चुप्पी वाला लुक बड़ा कहर ढा रहा है। जब से ट्रेलर आया है तब से बॉबी देओल का ये लुक कहर ढा रहा है। बॉबी देओल की एंट्री इस मूवी के अंदर सिर्फ 2 बार है, लेकिन धमाकेदार एंट्री है, ठीक है। पहली एंट्री में तो ये सीन आता है, ठीक है, पहली एंट्री में ये सीन आता है। और जिस तरीके से आप सभी ने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है तो जिस तरीके से रॉन्ग टर्न मूवी के अंदर खून खराबा होता है, सेम वैसे ही इस मूवी के अंदर खून खराबा आप सभी को देखने को मिलेगा। रणबीर कपूर इस मूवी के मतलब अंत में, आखिरी सीन बॉबी देओल और रणबीर कपूर की फाइट होती है, अंत में रणबीर कपूर चाकू से बॉबी देओल की गर्दन काटते हैं। दोस्तों, बड़ा भयानक सीन है, ठीक है। और वैसे बात करूं दोस्तों कम अर्निंग की, तो कल इस मूवी ने पूरे भारत से 64.5 करोड़ रुपए की अर्निंग की, ठीक है। अकेले हिंदी भाषा में इस मूवी ने 54 करोड़ रुपए की कमाई की और तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में 10.5 करोड़ रुपए की कमाई की। और आज ये मूवी पूरे भारत से लगभग 72 करोड़ रुपए कमाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से इस मूवी की ऑक्युपेंसी थी, दिल्ली NCR के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा शोज, मुंबई के अंदर भी लगभग 1000 से ज़्यादा शोज, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हर जगह काफ़ी अच्छे शोज हैं इस मूवी के, ठीक है। और दोस्तों, ये 2023 की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है। ये मूवी पठान, जवान, लियो, टाइगर 3 सब मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करूं तो गदर 2 मूवी की, दोस्तों अनिल शर्मा की डायरेक्शन और प्रोडक्शन में इस मूवी को बनाया गया और लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए मूवी का बजट था, ठीक है। और वहीं बात करूं अर्निंग की, तो दोस्तों अपने पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख रुपए की अर्निंग की मूवी ने, और दूसरे दिन इस मूवी ने 43 करोड़ रुपए की अर्निंग की, ठीक है, जो कि एनिमल कमा रही है लगभग 72 करोड़ रुपए, और इस मूवी गदर 2 मूवी ने कमाए 43 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वहां से देखा जाए तो एनिमल मूवी गदर 2 को बीट कर रही है, ठीक है। और जिस तरीके से दोस्तों सनी देओल की गदर 2 मूवी हिट हुई थी, यानी ब्लॉकबस्टर हुई थी, और सनी देओल की जो चांदी हुई थी, मतलब सनी देओल के पास से इतना काम हो गया, हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर सनी देओल के साथ काम करना चाहता है। यानी कुल मिला के देखे तो गदर 2 से सनी देओल चमके और एनिमल से बॉबी देओल। और वहीं बात करूँ शाहरुख खान की, पठान की, जवान की, तो पठान मूवी जनवरी के महीने में आई थी और 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों, मूवी को लगभग 250 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया, जिसमें जॉन अब्राहम एक विलन के रूप में उभरे थे। दोस्तों, जॉन अब्राहम भी फीके पड़ गए हैं, किसके आगे, बॉबी देओल के आगे, ठीक है। और इस मूवी ने पहले दिन 55 करोड़ रुपये की कमाई की और दूसरे दिन इस मूवी ने 68 करोड़ रुपए की कमाई की, ठीक है। दूसरे दिन इस मूवी ने 68 करोड़ रुपए की कमाई की और एनिमल मूवी दूसरे दिन लगभग 72 करोड़ रुपए कमा रही है। तो कुल मिला के देखा गया तो इन तीन मूवियों का एनालिसिस करा हमने,
तो तीन मूवियों में देखा गया, तो भाई जो एनिमल मूवी है वो इन दोनों मूवियों को बीट कर रही है। दोस्तों एनिमल जो मूवी की स्टोरी है, तो इसके जो खून खराबा है एनिमल मूवी के अंदर जो देखा गया है, ये जो बॉबी देओल वाला ये लुक बड़ा कहर ढा रहा है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी मूवी देखने कब जाओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है भाई।